का त्यौहार है। ऐसे त्यौहार में उनको सम्मिलित करना, उनमें प्रेम की भावना बढ़ाना और अपने बातों को उन तक पहुंचाने का काम होली के द्वारा, होली के त्यौहारों में हम करते हैं। मेरा आप सबसे यही आह्वान है कि माय होम इंडिया के इस काम में आप सभी का सहभाग हो। इस शब्दों से मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद प्रशांत जी। आपने जाना कि क्या क्या कार्य हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर रहा है माय होम इंडिया और करना चाहता है, और इसके लिए आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाहर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई सारे साहित्य आपको मिलेंगे, माय होम इंडिया के कार्य की प्रदर्शनी मिलेगी। अगर आप रजिस्टर करना चाहें, हमें सहयोग देना चाहें, किसी भी तरह से सहयोग देना चाहें, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, डोनेशंस भी दे सकते हैं, क्योंकि माय होम इंडिया एक एनजीओ है और हमें जरूरत है अपना काम बढ़ाने की। और अब मैं मान्यवर अतिथि गणों को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि वे स्टेज पर आते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को पुष्पांजलि देते हुए आएं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष को, श्री एकनाथ जी ठाकुर। आज का कार्यक्रम इनकी अध्यक्षता में हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत। जी आप पुष्पांजलि कर सकते हैं। आज की भाषा में कहूंगी तो अब मैं स्टेज पर हमारे स्टार ऑफ द इवनिंग को बुलाना चाहूंगी। इन्हें सम्मान देने के लिए आज हम सब यहां पर हैं। आज के विशेष अतिथि श्री जमीर साहब, प्यार से हम इन्हें गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी आप भी आइए, पुष्पांजलि दीजिए। और अब मैं बुलाती हूं राम प्रकाश पोद्दार जी को। माय होम इंडिया मुंबई के सबसे खास और सबसे मजबूत साथियों में से इनका नाम है। पोद्दार साहब आप भी आइए। अंत में माय होम इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सुनील देवधर देवशर जी से निवेदन करूंगी कि वो भी स्टेज पर आएं और फिर हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है कि आप स्टेज पर आएं। यहां पर आए हुए सभी लोगों को इस बात का एहसास होगा और ये पता होगा कि आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जी भैरव सिंह शेखावत जी का आज निधन हुआ और इसी कारण अडवाणी जी भी आज इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए। हम सब चाहते हैं कि सभी खड़े हों और 2 मिनट का मौन व्रत रख के उन्हें याद करें। धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले यहां बैठे सभी अतिथियों का स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे। सबसे पहले आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री एकनाथ जी ठाकुर, आप सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। इनके टेन्योर के दौरान